सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अंटिल लूप्स की, अंटिल लूप्स का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अंटिल लूप्स जो है शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर आपके जो भी रिपीटेडली आपने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट किया है तो वो जब तक आपके ट्रू कंडीशन में रहेंगे तब तक आपकी उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। मीन्स अगर सिंपल मैं यहाँ पर कहूँ तो ये वाइल लूप्स का जो है वो अपोजिट है, और साथ ही यहाँ पर ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट किया उसे तब तक आपका रन कराएगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टॉप कर देगा, लेकिन जब तक ट्रू है तब तक ये रन कराता रहेगा, राइट। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक स्क्रिप्ट जिससे हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में जो एसेंशियल एप्स हैं वो सारे रनिंग में हैं या फिर नहीं है। अगर रनिंग में नहीं है तो वो रनिंग ड्यूटी से करा दे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ वेम एंड देन मैं नेम दे देता हूँ अनटिल डॉट एस एच, राइट। और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक थिंग्स है यानी अपना सी वेम कंस्ट्रक्ट यहाँ पर दे देते हैं, वेन एंड बैश एंटर कर लेते हैं। और हमेशा आपको रिकमेंडेड है कि जब भी आप स्क्रिप्ट बनाओ तो वहां पे साथ में कमेंट का यूज जरूर करो जिससे आपको पता रहे कि आपने कहाँ पर किस टाइप के कोड्स को जो डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है कर देता हूँ डिफाइन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल एप्लीकेशन, राइट। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन एंड एंटर, और नेम आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर एसेंशियल एप्स करके एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एसेंशियल एंड अंडरस्कोर एप्स, राइट। इजिकल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इजिकल टू के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन कर देते हूँ। तो डिफाइन करने के लिए मुझे कई एप्लीकेशन को डिफाइन करना है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, आप चाहो तो कोई और भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं जी एडिट ले रहा हूँ यहाँ पर एंड स्पेस करके दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि मुझे चाहिए होगा जीनोम टर्मिनल टर्मिनल एंड जस्ट क्लोज इट, और थर्ड मुझे चाहिए यहाँ पर फायरफॉक्स, राइट फायरफॉक्स। तो मुझे ये तीन एप्लीकेशन चाहिए और इसे क्लोज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है और एंटर कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद अब सब अगला काम मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले तो मुझे अगला यहाँ पर करना है लूप अनटिल ऑल एसेंशियल एप्लीकेशंस आर रनिंग, राइट। तब तक लूप बनेगा जब तक एसेंशियल एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाती है। ओके एंटर करते हैं और अब देखो यहाँ पर लूप कैसे हम देंगे। तो सबसे पहले तो मैं अनटिल दे देता हूँ, राइट। अनटिल के बाद में अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि मेरी एसेंशियल एप्स जो है वो रनिंग में है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो अभी हमने एक एरे डिफाइन किया था एक तरीके से, तो मैं उसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कमांड होती है चेक करने के लिए वो आप पी ग्रेप से चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं पी ग्रेप, ये वही लिनक्स की कमांड है पी ग्रेप स्पेस हाइफन एक्स स्पेस एंड जस्ट स्टार्ट एंड डॉलर एंड डॉलर के बाद में यहाँ पर हम दे देते हैं कर्ली ब्रेसेस और एसेंशियल जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है एसेंशियल अंडर स्कोर एप्स। और अब यहाँ पर जो मैंने अभी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करूंगा, यहाँ पर जीरो, राइट। सबसे पहला जो है मेरा यहाँ पर जीरो है, और जीरो के बाद में मैं क्लोज कर देता हूँ जो मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया था ये क्लोज हो गया, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूँ एंड स्पेस करके मैं यहाँ पर दूसरे ही अपने एप्लीकेशन या दूसरे को भी सर्च करना चाहता हूँ तो मैं एंड एंड कर दूंगा यहाँ पर। एंड एंड से हम यहाँ पर पी ग्रैप एंड स्पेस हाइफन एक्स एंड जस्ट स्टार्ट एंड देन डॉलर डॉलर का साइन दे देंगे। डॉलर के बाद में यहाँ पर हम दूसरा एसेंशियल एप्स देते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस एंड एसेंशियल अंडरस्कोर एप्स एंड वन, सेकंड नंबर का जो है मेरा वो यहाँ पर वन रहेगा, और वन के बाद में मैंने जो कर्ली ब्रेसेस किया था उससे एंड इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करो और उसके बाद में स्पेस देके एंड एंड दोबारा से दे देते हैं वेयर इज एंड एंड, राइट। यहाँ पर एंड एंड दे देता हूँ और एंड एंड के बाद में यहाँ पर इसके बाद हम तीसरा ऐप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, तो पी ग्रैप एंड हाइफन एक्स एंड जस्ट स्टार्ट डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस एसेंशियल
अंडरस्कोर एप्स एंड देन टू, राइट। अगला हमारा जो थर्ड है उसका नंबर क्या है, यहाँ पर टू है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो आपका सर्च करके काफी बड़ा रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट को मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे शो नहीं करना है, और मैं उसे स्क्रीन की जगह शो करने की जगह क्या कर देता हूँ यहाँ पर, सो डेप स्लैश नल, एंड इसके बाद मैं देता हूँ डेप नल, ठीक है, एंड जस्ट इस डू, राइट। तो मैंने अनटिल और डू यहाँ पर जो है वो क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इको, एंड मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, वन और मोर इसेंशियल एप्लीकेशन आर नॉट रनिंग एंड स्टार्टिंग देम नाउ, राइट। जब तक आपका ये अगर इस जो सारी की सारी यहाँ पर कंडीशन है वो चलती रहेगी, तब तक तो अनटिल यानी डू यानी तब तक एंड नहीं होगी कमांड। जैसे ही एंड होती है दैट मींस आपका क्या है कि जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो चुकी है, और जैसे ही फॉल्स होगी तो आपको मैसेज वहां पर क्या प्रिंट होगा कि आपका जो एक या एक से ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन है वो आपका रनिंग में नहीं है, और जब रनिंग में नहीं है तो फिर हम उसे क्या कराएंगे, रन कराएंगे। तो अगली मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, दिस एंड लूप थ्रो द इसेंशियल एंड एप्लीकेशंस एंड स्टार्ट देम इफ दे आर नॉट रनिंग, राइट। हमने यहां पर दे दिया कि आपके लूप बनाएगा इसेंशियल एप्लीकेशन के और उन्हें स्टार्ट भी करेगा, ठीक, जो कि वर्किंग में नहीं है यानी स्टार्ट नहीं हो रखे हैं। तो कैसे स्टार्ट कराएंगे हम वो चीज समझिए आप। स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे, और फॉर लूप के बाद में हम यहाँ पे देते हैं एक, हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं वैल्यू एप एंड इन करके हम यहाँ पे दे देते हैं हमें यहाँ पर ऐप में कौन कौन से ऐप चाहिए। तो मैं यहाँ पर डॉलर यूज कर लूंगा, और डॉलर के बाद में मैं यहाँ पर देता हूँ इसेंशियल इसेंशियल एंड अंडर स्कोर एंड एप्स, राइट। और इससे मैं यहाँ पर एट द रेट दे देता हूँ, डॉलर हमने यूज किया हुआ, एट द रेट आपको अगर याद होगा तो जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था उसमें बताया था मैंने एरे कैसे बनाते हैं। एरे मीन्स क्या कि जो भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे यहाँ पर कंसीडर कर लेगा वन बाय वन। तो ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज कर देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करने के बाद जब हमने फॉर का यूज किया यहाँ पर तो इसे क्लोज करके हम यहाँ डू दे देते हैं, राइट, स्मॉल में डू दे देते हैं। तो इस तरीके से मैंने फॉर लूप भी बना दिया यहाँ पर, एरे का यूज भी कर लिया। मोस्टली बहुत सारी चीजें हमने इस स्क्रिप्ट में यूज की हुई है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है स्क्रिप्ट, एंड एक बार जब हम ये यहाँ पर रन कराएंगे तो फिर हम इसके बाद एक बार दोबारा से चेक करेंगे पी ग्रेप स्पेस हाइफन नेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, तो मैंने अभी एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया था डॉलर एंड ऐप, राइट, ऐप एंड जस्ट इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझे टर्मिनल पर नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ डेव एंड नल, और डेव नल के बाद मैं यहाँ पर पाइप पाइप लगा के और यहाँ दे देता हूँ डॉलर ऐप एंड ये एंड साइन दे दिया मैंने। तो ये किसके लिए, इन सारे एप्लीकेशंस को वन बाय वन जो ये रन करा देगा। रन करा के मींस क्या है कि आपका अगर कोई आप बिना करते, जैसे आपने जॉब्स के बारे में पढ़ा था बैकग्राउंड जॉब्स या फॉरग्राउंड जॉब्स, तो हम बैकग्राउंड जॉब्स में रन करा रहे हैं यहाँ पर, एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर दे देते हैं डन, राइट। तो मैं इतना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अगर कुछ और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, जैसे मैं क्या कर देता हूँ स्लीप, क्योंकि अभी हमने जो अनटिल वाला था वो हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर बीच में दे रहा हूँ स्लीप, एंड स्लीप कितना चाहिए मुझे, 2 सेकंड का चाहिए। और ये जो मैं स्लीप दे रहा हूँ यहाँ पर, स्लीप का यूज किस लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो भी मैं देता हूँ वेट फॉर 2 सेकंड सेकंड बिफोर चेकिंग अगेन एंड डन। जो अंटिल स्टार्ट किया था अंटिल को अब हमने डन किया हुआ, राइट।
एंड एंटर करके मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लिख देता हूँ, इको एंड नाउ लास्ट में आपको प्रिंट होगा ऑल, स्मॉल कर देते हैं, ऑल एसेंशियल एप्लीकेशंस आर रनिंग, राइट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो अपनी पूरी स्क्रिप्ट है वो राइट कर दी है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रिप्ट में हमने सारी चीजें जो है वन बाई वन यहाँ पर राइट की हुई है। और स्क्रिप्ट में एक देखो मेनली क्या, हमने यहाँ पर एसेंशियल एप्स जो हमने स्टार्टिंग में दिया वो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, हमने बताया कि कौन कौन से हमें एप्लीकेशन चाहिए, राइट। इसके बाद अनटिल का हमने यूज किया है, वी ग्रेप कमांड से हमने चेक किया कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी रनिंग में है या नहीं, तो वन बाई वन हमने यहाँ पर सब कुछ चेक किया हुआ है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अपने जो है मैसेज कई प्रिंट कराए हैं, साथ में हमने यहाँ पर जो है एरे बनाया है एसेंशियल एप्स का, ये जो हमने एरे यूज किया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो हमने एरे यूज किया हुआ है एट द रेट से, डॉलर एट द रेट से आप कोई भी एरे यूज करते हो, वो जो कि हमने लास्ट सेशन में किया था, अगर नहीं देखा तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखिए। और इसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने ये भी दिया कि 2 सेकंड का वेट करेगा आपका, और जो है वो लूप कंटिन्यू रहेगा, लूप की जब तक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, जैसे ही सारे एप्लीकेशन रन हो जाएंगे वैसे ही आपका क्या होगा, ये यहाँ पर डन हो जाएगा और एंड हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने एक यहाँ पर रन कराया, चेक कर लेते हैं एक बार कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, प्रॉपर बनी है या फिर नहीं बनी है एक बार। तो ठीक है, यहाँ पर मैं बैश करता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मेरे पास अभी कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है, सिर्फ मेरा टर्मिनल रनिंग है और कुछ भी नहीं है। मैं बैश करके अनटिल डॉट एस एच दे देता हूँ एंड रन कराता हूँ इसे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा था कि वन और मोर जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मैं देखो यहाँ पर जी एडिट टर्मिनल और सारी चीजें जो है वो यहाँ पर रन हो रही है, राइट। ये देखो मेरा टर्मिनल जी एडिट, सारी चीजें जब तक रन नहीं हो जाती तब तक चलेगा ये, जब तक फायरफॉक्स भी नहीं होता, अभी फायरफॉक्स बचा हुआ, राइट। ये हो गया और अभी यहाँ पर जो है वो एंड हो गया, तो अभी आप देखोगे सारे एप्लीकेशन यहाँ पर हो चुके हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पर देखो एक्टिविटीज में जाओ, एक्टिविटीज में देखोगे तो आपको टर्मिनल कहीं ओपन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा फायरफॉक्स ने थोड़ा सा टाइम दिया, और जो हमने लूप क्रिएट किया था वो लूप तब तक चलेगा जब तक सारे एप्लीकेशन ओपन नहीं हो जाते, राइट। तो यहाँ पर देखो मेरे कई टर्मिनल खुल गए, राइट। ये टर्मिनल है, अगर आपको कोई भी नहीं, जैसे अगर आपके सिस्टम में अभी क्या है, मैं ये वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ तो मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, क्योंकि 2 GB रैम पे पूरी मशीन चल रही है, तो इसलिए फायरफॉक्स थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि लोड लेने में थोड़ा सा समय लेता है, और टर्मिनल जल्दी हो जाते हैं। बट आप अगर एक्चुअल कंडीशन में करते हो तो ऐसा नहीं होगा, आपके टर्मिनल प्रॉपर एक ही ओपन होगा, ज्यादा ज्यादा हुआ तो 2 ओपन होगा। बाकी आप देखो हमारे जो एप्लीकेशन हमें नीड थे कि हमारा ये हो गया, इसके अलावा आपने यहाँ पर और क्या था, जी एडिट किया था, जी एडिट देखो ओपन हो चुका है, और अगर आप आते हो टर्मिनल पे तो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या हुआ, वन और मोर एसेंशियल एप्लीकेशन नॉट रनिंग हुआ, इसलिए यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट, ये हुआ है और ये हुआ है, ऑल एसेंशियल एप्लीकेशन आर रनिंग, यहाँ पर ये रनिंग में आ गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सारे के सारे जो है वो रनिंग में आ चुके हैं। तो ये हमने एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें हमने अनटिल का यूज किया, फॉर लूप का यूज किया, एरे का यूज किया, मतलब मोस्टली चीजों का यूज करके हमने एक आपके प्रोडक्शन के लिए यूजफुल बनाया। आप एप्लीकेशन के नाम और भी कुछ दे सकते हैं, और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं इसे अपने प्रोडक्शन में, राइट। तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।